अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इस गोश्त से, ये 2 किलो गोश्त है छोटा मटन यानी के, और इससे बनाएंगे आलू मटर गोश्त, गोभी गोश्त और आलू गोश्त शोरबा। तो स्टार्ट करते हैं। ये 2 किलो गोश्त है, ये ज़रा फ्रीज हुआ हुआ है, इसको चूल्हा ऑन कर दें और इसमें डाल देंगे हम ऑयल। डालेंगे ये 2 कप के करीब है, क्योंकि हमने इसमें 3 डिशें बनानी है, तो ये उसी हिसाब से मैं सारा मटेरियल आपको बता रही हूँ। तो ये प्याज है मोटे मोटे कटे हुए 6 अदद, ठीक है, 6 अदद दरमियाने साइज के प्याज हैं, ये डाल दिए। और इसमें डाल देंगे हम टमाटर, ये 6 अदद टमाटर डालेंगे मोटे मोटे काट के, दो दो टुकड़े कर लें क्योंकि हमने इसको गलाना है, और इसी में हमने 3 डिशें तैयार करनी है, तो जल्दी से तैयार हो जाएंगी, स्पेशली जब आपके घर में गेस्ट आने हों तो आप मसाला इकट्ठा ही तैयार कर लें, टाइम की भी बचत होगी और जल्दी हो भी जाएगा। और ये 15-20 हरी मिर्चें ये डाल दिए, इसमें कुछ लाल मिर्चें भी शामिल हैं, ये डाल दिए हैं। और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है, पानी भी है इसके अंदर, तो ये तकरीबन 6 खाने के चम्मचे अदरक और लहसुन दोनों मिला के डालेंगे। ये 1 खाने का चमचा हल्दी, 1 खाने का चमचा खुश्क धनिया और 1 खाने का चमचा फुल भरा हुआ लाल मिर्च, और नमक डालेंगे ये 1 खाने का चमचा फिलहाल, तो बाद में जब हम अलग अलग मसाले को करेंगे तो फिर कमी बेशी होगी, तो फिर हम कर लेंगे, तो इसलिए अभी फिलहाल इतने ही मसाले डालने हैं। और उसके बाद जो है हमने इसको भूनना है, आँच पर आपने इसको भूनना है, क्योंकि अभी गोश्त भी जो है वो फ्रीज हुआ हुआ है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगना है, तो इससे बेहतर है कि हम इसको प्रेशर लगा दें पहले। ये 2 गिलास पानी डालेंगे, ये 1 गिलास, ये 2 गिलास, बल्कि 2.5 गिलास डाल देते हैं, ताकि ये अच्छे से गोश्त जो है वो गल भी जाए, खुल भी जाए और मसाला भी जो है यकजान हो जाए। ठीक है, हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर, इसको थोड़ा मिक्स कर लें और फिर उसके बाद इसको लगा देंगे 18 मिनट के लिए प्रेशर। ठीक है, फुल आँच पर 18 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देते हैं। ये अभी कोई और काम जब तक कर लेते हैं। और ये हैं गोभी के 2 फूल, इनको भी छिलके उतार के, इनके पत्ते वगैरह हटा के और इसको साफ़ करके, तो इसको हमने काट लेना है, क्योंकि हमने गोभी गोश्त भी बनाना है, तो इसको जब काटेंगे तो इनके अंदर कीड़े होते हैं, इनके अंदर होते हैं, नीचे होते हैं, अच्छी तरह से देखभाल के सब्जियाँ चेक करके पकाया करें, ठीक है, इन अंदर पड़े होते हैं इनके कीड़े, तो सारा चारों तरफ से देख के काट के धो के पानी खुश करके फिर आपने तैयार करना है। गोभी की मैंने अलग कर ली है, डंडियाँ उतार ली हैं इनके दोनों में से, और अब सिर्फ जो है ये फूल ही बनाऊंगी मैं, और इसको भी पहले अच्छी तरह, ये देखिए मट्टी गंद और लगा हुआ है, इसको काटेंगे हम अच्छे से और चेक करेंगे अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है, फिर इनको छोटे छोटे पीस कर लेंगे। हमने गला लिया है और स्टीम निकल चुकी है, तो मैं इसको अलग कर लेती हूँ जितना मुझे चाहिए मसाला। अच्छा, इसमें गोश्त भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि गोश्त जो है वो काफ़ी गल चुका है, तो ये ना हो कि सब्जी डालूँ तो मज़ीद जो है वो हलवा बन जाए, तो इसको मैं अलग कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इससे आलू मटर गोश्त भी बनाना है और गोश्त का आलू का सालन भी बनाना है और गोभी भी बनानी है, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ गोभी। तो ये गोश्त समेत मैंने मसाला जो है निकाल लिया है, और कुछ मसाला छोड़ दूंगी गोभी के लिए, और फिर उसके बाद गोभी को तैयार करके फिर जो है हम बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो ये मैंने मसाला छोड़ा है गोभी के लिए, ये देखिए, और इसमें से ऑयल भी ज़्यादा है तो निकाल लेती हूँ, क्योंकि बराबर बराबर करना है, तो ये ऑयल भी थोड़ा सा निकाल लिया, और फिर इसको, क्योंकि मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, तो इसमें हमने डाल देनी है गोभी, ये ठीक है, कुछ
कुछ भी नहीं करना है, बस इसको मिक्स कर और इसको हमने पेस्ट साइज का बनाना है। एक गोभी तो खड़ी गोभी हम बनाते हैं ना, जैसे कि मैंने दिखाया है आपको, बहुत सारी लातादाद गोभी की भी रेसिपीज मैंने आप लोग साथ शेयर की हुई है। तो ये करके जब ये गल जाएगा अच्छी तरह, तो बहुत जल्दी है, तो थोड़ा सा पानी डाल दें। वैसे तो मैं पानी वगैरह नहीं डालती। ये आधा गिलास पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर लगा देना है और फिर इसको भून लेंगे गोभी को, फिर गोश्त डालेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी मैं प्रेशर लगाने लगी हूँ इसको, 7 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया फुल आंच पर। गोभी को प्रेशर आ चुका है, तो अब इसको चेक करते हैं और इसको हमने बिल्कुल टेस्ट सा बना देना है और भून लेते हैं इसको। और इसको टाइम लगना है फुल आंच पर 3 मिनट, 3 मिनट तक इसको भूनते हैं। तो गोभी हमने भून ली है, तैयार कर लिया, तो अब इसमें जो हमने गोश्त तैयार किया था इसमें से थोड़ा सा गोश्त इसके अंदर डाल देते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि हमने इसे 3 खाने बनाने हैं इस गोश्त से और मसाले से, तो ये हमने इसमें डाल दिया है। और ये जो है रेडी हो चुका है हमारा गोभी गोश्त। थोड़ा सा इसको मिक्स करें और बस ये रेडी है। अब इसको सर्व कर लेंगे और इसी बर्तन में हमने बाकी 2 खाने भी बनाने हैं, तो टाइम की भी बचत होगी और बर्तन भी गंदे नहीं होंगे सर। ये हो गया गोभी गोश्त, गरम गरम सर्व करें, मज़ेदार खुशबू आ रही है बहुत। हरा धनिया मौजूद है तो डाल दें, अदरक भी डाल सकते हैं और उसके अलावा जो है वो हरी मिर्चें भी छिड़क सकते हैं। और नमक मिर्च का जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वो अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हमने डाल दिया था। तो अब ये बर्तन खाली कर देते हैं, गोभी जो है किसी और बर्तन में डाल के इसी बर्तन में हमने आलू मटर गोश्त बनाना है और आलू मटन का शोरबा भी बनाना है।